करता हूं और ममता जी महिला हैं, इस बारे हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारना, प्रधानमंत्री से नफरत करना, ये शब्द ममता जी के कतई उचित नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान भाजपा नेता की हत्या कर दी गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है, और मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन भी वहाँ अपने को असहाय पा रहा है। हम लोगों ने हरदम इलेक्शन कमीशन से कहा कि पश्चिम बंगाल में उसी तरह चुनाव कराना चाहिए जैसे श्रीनगर में करा रहे हैं, तो ज़्यादा उचित रहेगा। वहाँ फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की जनता 30 से ऊपर सीटें समाज इस भारतीय जनता पार्टी को देगी। क्या लग रहा है टीएमसी के लोग क्यों नहीं बीजेपी को आगे आने दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ का कल्चर एक ऐसा रह रहा है, मुझे लगता है इसके पहले सीपीएम ने वो कल्चर बनाया था, अब वही कल्चर ममता जी ने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन उस कल्चर को हम लोग तोड़ेंगे। मोदी जी को जिस तरह वार वेलकम वहाँ मिल रहा है, अमित शाह जी को जिस तरह वार वेलकम मिल रहा है, ये कल्चर टूट जाएगा। अभी राहुल गांधी ने वोट डालने के बाद ठीक बात पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि नफरत की राजनीति मोदी जी फैला रहे हैं। ये गलत आरोप है। राहुल जी कौन सी प्यार की फैला रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं, हम प्यार की बात करते हैं और मोदी सरकार जो है वो नफरत फैलाने का काम। अब राहुल जी किस प्यार की बात करते किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी को चोर कहेंगे, चौकीदार को चोर कहेंगे, तो ये प्यार की बातें हैं। अगर उनका प्यार यही है तो ये प्यार इटली वगैरह में चले तो ज़्यादा अच्छा, हिंदुस्तान में नहीं चले। अब यहाँ तो जो थर्ड वाले जो कहे जाते हैं, जैसे पुरुष और महिला के अलावा और भी उनको हम किस शब्दों से संबोधित करें, वो भी प्रत्याशी बनते हैं हमारे देश में। लेकिन महिलाओं का ठुमके लगाना कितना सही है, हम इसको सही नहीं, मैं ऐसी चीज़ें प्रजातंत्र में अच्छी नहीं समझता।